हेलो दोस्तों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा जय मसीह की। दोस्तों स्वागत करते हैं आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम प्रार्थना के विषय में आप सबों से बात करने जा रहा हूं। दोस्तों अक्सर क्या होता है कि हम लोग है जो प्रार्थना के समय ये दो गलती है जो हम लोग कर बैठते हैं, और जिसका परिणाम होता है कि हमारी और आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है। जैसा कि दोस्तों ये दो गलतियां के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ कहा है कि तुम प्रार्थना करते समय ये दो गलतियां नहीं करना, और हम लोग है जे जानी अनजाने में वो दो गलती कर बैठते हैं, उसका परिणाम स्वरूप क्या होता है कि हमारी प्रार्थना का आपकी प्रार्थना का प्रतिफल नहीं मिल पाता। क्योंकि इस विषय में प्रभु यीशु मसीह ने साफ कहा है कि अगर ये दो गलती हम आप करते हैं तो उसका प्रतिफल है जे हमें मिल गया, प्रभु की ओर से इसका प्रतिफल हमें नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों आज हम देखेंगे कि कौन ऐसे दो गलतियाँ हैं जिसके कारण है जे हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती, हमारी प्रार्थना का हमें प्रतिफल नहीं मिलता प्रभु की ओर से। तो दोस्तों आप मेरे साथ वीडियो में बने रहें और वीडियो अंत तक देखें ताकि आज वो दो गलतियों के विषय में आप जान सके और आप अपने आप को उस दो गलती से बच सके, सुधार सके, ताकि आपका प्रार्थना का प्रतिफल परमेश्वर के तरफ से आपको मिलते रहे, परमेश्वर की ओर से आपके प्रार्थना का उत्तर मिले। और दोस्तों आज हम ये भी देखेंगे कि किस रीति से, किस तरह से प्रभु ने प्रार्थना करने के लिए हमें कहा है ताकि हम प्रार्थना करें और प्रभु हमारा ये प्रार्थना को सुने और उत्तर दे। तो दोस्तों चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहली जो गलती है मेरे प्रियो, जब आप प्रार्थना करें तो कपटियों के समान न करें। जी हाँ मेरे प्रियो, इस बातों को मैं नहीं कह रहा हूँ, इस बातों को प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि हमें कपटियों के समान प्रार्थना नहीं करनी है। जैसा कि बहुत से लोग ऐसे प्रार्थना करते हैं लेकिन वो ये नहीं समझते हैं कि जब हम इस तरह से प्रार्थना कर रहे हैं तो हमें प्रभु की ओर से इसका प्रतिफल नहीं मिलेगा। क्योंकि जब हम इस तरह से प्रार्थना करते हैं तो उसका प्रतिफल हमें यहाँ मिल जाता है, खुद यह संसार में ही हमें मिल जाता है, जैसा कि इस विषय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। तो चलिए हम प्रभु यीशु मसीह ने जिस बातों को कहा है उसे हम वचन में देखते हैं। तो देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 6:5 में यीशु मसीह ने कहा है कि जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए सभाओं में और सड़कों के मोरों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। तुम से सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। तो दोस्तों यहाँ देखा आपने, यीशु मसीह ने इस विषय में साफ साफ कहा है कि जब हम और आप प्रार्थना इस तरह से करते हैं तो उसका प्रतिफल हम खुद पा चुके, ये प्रभु की ओर से हमें और आपको नहीं मिलेगा। जैसा कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ साफ साफ कहे हैं कि जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए सभाओं में और सड़कों के मोरों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। तो दोस्तों अगर अक्सर इस तरह से प्रार्थना कर रहे हैं आप, तो इस प्रार्थना को आप ना करें, इस तरह से आप प्रार्थना को ना करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे प्रार्थना करने से सख्त मना किया है। और अगर ऐसे प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर की ओर से प्रार्थना का प्रतिफल नहीं मिलेगा। दोस्तों परमेश्वर की तरफ से प्रार्थना का उत्तर हमें नहीं मिलेगा, इसलिए हमें ऐसी प्रार्थना नहीं करनी है। तो दोस्तों हमें कैसी प्रार्थना करना है उसके विषय में भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, जैसा कि मत्ती 6:6 में कहा है परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तो दोस्तों यहाँ यीशु मसीह प्रार्थना किस तरह से करने के लिए कहे हैं वो मत्ती 6:6 में बताए हैं कि जब भी आप प्रार्थना करने के लिए आप जाएं तो अपने घर में जाएं, और घर में जाकर के आप अपने दरवाजा को बंद करें और अपने पिता से जो गुप्त में है, हम आपको दिखाई नहीं देता है, उनसे प्रार्थना करें, तब है जे पिता जो गुप्त में आपको देखता है आपको प्रतिफल देगा।
अक्सर दोस्तों हमें एकांत में प्रार्थना करनी चाहिए। हमें ऐसे जगह जाके प्रार्थना करनी चाहिए जहाँ पे कोई लोग ना देखे, कोई हमें ना देखने पाए। जैसा कि हम प्रभु यीशु मसीह को भी देखते हैं कि जब वो प्रार्थना करने को जाते थे तो अपना चेला को भी इधर ही रोक देते थे और वो एकांत में जाके प्रार्थना करते थे। और परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह दोनों है जे गुप्त में प्रार्थना करते थे ताकि परमेश्वर पिता की ओर से प्रभु की उस प्रार्थना का प्रतिफल मिले। इसीलिए दोस्तों इस प्रार्थना के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ कहा है कि हमें और आपको सबसे बेहतर है कि अपने घर में जाएं और घर में जाके दरवाजा को बंद करके और एकांत में अपने पिता से गुप्त में प्रार्थना करके मांगें। और जो प्रार्थना आप गुप्त में करके मांगेंगे उसका प्रतिफल है जो परमेश्वर की ओर से मिलेगा, क्योंकि ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तो हमें गुप्त में है जो परमेश्वर देखने वाला है और वो हमें प्रतिफल देने वाला है। तो हमें अपने घर में जाके प्रार्थना करनी चाहिए। दूसरी गलती है मेरे प्रियो, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान ज्यादा बक बक ना बोले। जी हाँ मेरे प्रियो, बहुत से ऐसे भाई सोचते हैं कि हम ज्यादा परमेश्वर से चिल्ला चिल्ला करके हम मांगेंगे बोलेंगे तो हमारे जल्दी सुनेंगे और हमें है जे वो ज्यादा मिलेगा आशीष। लेकिन ऐसी बात नहीं है मेरे प्रियो, क्योंकि इस विषय में प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ है जे मना किया है कि हमें अन्य जातियों के समान हमें ज़्यादा बक बक हमें चिल्लाने और बोलने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि इस विषय में प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ कहा है कि जो हमारे मन में होता है वो प्रभु उसे जांच लेता है, उसे जान लेता है। जैसा कि मैं आप सबों को वचन को दिखाना चाहता हूँ कि इस विषय में प्रभु यीशु ने क्या कहा है। तो मत्ती रचित सुसमाचार 6:7-8 को देखते हैं तो वहाँ यीशु ने कहा है कि प्रार्थना करते समय अन्य जातियों की नाई बक बक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। तो दोस्तों यहाँ देख रहे हैं कि यीशु मसीह इस विषय में साफ साफ मना कर रहे हैं कि अन्य जातियों की नाई बक बक ना करो। और अन्य जाति हैं कौन मेरे प्रियो? वो लोग जो प्रभु को नहीं विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं। जैसा कि बहुत से लोगों को देखेंगे कि घंटों घंटों सड़कों पे खड़े हो करके वो चिल्ला चिल्ला करके वो प्रार्थना करते हैं। और बहुत से यहूदी में भी देखते हैं दोस्तों कि वो लोग भी है जे वो बड़े बड़े चोला पहन करके और वो घंटों घंटों है जे वो चिल्ला चिल्ला करके वो प्रार्थना करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस विषय में साफ कहते हैं कि हमें उसके नाई है जे नहीं करना है, उस समान नहीं करना है। हमें है जे ज़्यादा बक बक करने और बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो समझते हैं कि हमें ज़्यादा बोलने से उनकी सुनी जाएगी। जैसा कि 8 में कहते हैं, सो तुम उनकी नाई न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। तो दोस्तों हम आप ये जान लें कि आप जो भी मांगने के लिए प्रार्थना में आप बैठे हैं, प्रभु जान रहे हैं कि आपको क्या क्या आवश्यकता है और हमें क्या क्या आवश्यकताएं हैं। इसलिए जब भी प्रार्थना करें तो प्रभु के सामने बैठें और प्रभु के पास है जे शांति से जिस भाषा को प्रभु ने आपको दिया है बोलने के लिए वरदान दिया है, जिस भाषा को प्रभु ने आपको बोलने के लिए तैयार किया है, उस भाषा में ही आप प्रार्थना करें और प्रभु से मांगे। जैसा कि दोस्तों प्रभु यीशु मसीह ने इस विषय में साफ साफ कहा है कि हमें कैसी प्रार्थना करनी चाहिए। तो जब हम मती रचित सुसमाचार हम 6:9-13 में देखेंगे तो यीशु मसीह ने प्रार्थना करने के लिए साफ साफ बातों को बता दिया है कि हमें इस रीति से प्रार्थना करनी चाहिए, हमें इस रीति से प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह से करना चाहिए। जैसा कि हम वचन को देखते हैं तो वचन बताती है, सो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है, आमीन।
तो दोस्तों यहाँ प्रार्थना के विषय में यीशु मसीह ने साफ साफ कहा है कि हमें इस रीति से प्रार्थना करनी है। तो दोस्तों चाहे आप किसी भी जरूरत के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन आप ये प्रभु यीशु मसीह ने जिस प्रार्थना को कहा है उस प्रार्थना को आप अवश्य करें, उस प्रार्थना को जरूर करें। और जब भी आपको प्रार्थना करनी है तो आप अपने घर में जाएं, आप अपने द्वार को बंद करें और प्रभु से प्रार्थना करके मांगें। जी हाँ मेरे प्रिय दोस्तों, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी एकांत जगह पे जाते थे और अपने चेलों को भी वहाँ नहीं ले जाते थे और वो अकेला प्रार्थना करते थे। तो कुछ ऐसी प्रार्थना है जो स्पेशल, जो प्रभु से पिता और आप में जो बात करनी है, तो आप अपने गुप्त में घर पर ही आप प्रार्थना करके, घर में ही प्रार्थना करके प्रभु से मांग सकते हैं। जैसा कि सामूहिक प्रार्थना भी होता है प्रिय दोस्तों, जैसे कलीसिया में सारे लोग एक साथ मिल के करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उससे प्रार्थना के विषय में कहा है जो पर्सनली अपना स्पेशल पिता से बात करने के लिए और पिता से प्रार्थना करने के लिए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज के वीडियो से आपने सीखा है और प्रभु ने आपको आशीष दे दिया है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल को जरूर दबा दें, ताकि इसी प्रकार से वीडियो आप सबके बीच में देते रहूं और प्रभु में आप बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रभु आप सबको आशीष करें। गॉड ब्लेस यू।